भाइयों और बहनों, सदगुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व सातवें वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां, जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों के संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है।